नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 की हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1, दैट इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हिस्ट्री, क्यों है ना वर्ल्ड हिस्ट्री में इतना फ्रेंच रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट क्यों है, स्पेशली यूरोपियन सिविलाइजेशंस में, यूरोपियन की हिस्ट्रीज में फ्रेंच रेवोल्यूशन कितना इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। फिर हम लोग पूरा कंटेक्स्ट जो है पूरा क्रिस्टल क्लियर समझेंगे फ्रेंच का, ठीक है। और हम लोग क्योंकि ये चैप्टर जो है काफ़ी लेंदी है, ठीक है, तो इसको हम लोग दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो पार्ट वन है, सेकेंड वीडियो जो जो पार्ट सेकंड आएगा उसमें हम लोग बाकी के चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, अगर अच्छा लगे वीडियो, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो आपको पता होना चाहिए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच तो पता ही है, ठीक है, फ्रांस जो फ्रेंच मैन होते हैं या जो फ्रांस में रहने वाले लोग उन्हें हम लोग फ्रेंच कहते हैं, और रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो रिवॉल्यूशन क्यों, क्रांति क्यों, फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों जरूरी क्यों था, फ्रेंच की सोसाइटी कैसी थी 18 सेंचुरी या उससे पहले में, वो सब कुछ बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग डील करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसोफर्स, रिवोल्यूशनरीज के बारे में जानेंगे, है ना। तो द फ्रेंच रिवोल्यूशन रिगार्ड किया जाता है एक रिमार्केबल इवेंट इन द मॉडर्न हिस्ट्री स्पेशली, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है। और द स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टिल प्रिजन ऑन 14 जुलाई 1789 मार्क द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये जो डेट है बहुत इंपॉर्टेंट डेट होता है, 14 जुलाई 1789, इसी डेट को क्या हुआ था, तो जो बास्टिल प्रिजन थी, ये आपको इमेज दिख रही होगी जहां पर जो भी जिस तरह से इंडिया में सेलुलर जेल है जो अंडमान निकोबार आइलैंड में है, उसी तरह से ये भी एक टाइप ऑफ जेल हुआ करता था जहां पर जो भी रिवोल्यूशनरीज थे या जो भी पॉलिटिकल लीडर्स थे जो रिवोल्यूशन लाना चाहते थे उनको मोस्टली कैद करके रखा जाता था, ठीक है। तो वो बैस्टिल प्रिजन, क्योंकि लोग रिवोल्ट कर रहे थे तो इस प्रिजन पे अटैक किए थे, और जितने भी कैदी थे इस बैस्टिल प्रिजन में जब ये रिवोल्यूशन चल रहा था मात्र 7-7 ही कैदी थे, इन सबको छुड़ाया गया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डे भी होता है आज के प्रेजेंट डे फ्रांस में भी, ये जो 14 जुलाई है बहुत इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है, जिस तरह से हम लोग इंडिया में रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी को, जहां पर इंडिया गेट के सामने जो राष्ट्रपति भवन है जिसको कर्तव्य पथ कहा जाता है, जो पहले राजपथ था वहां पर हम लोग परेड करते हैं, उसी तरह से फ्रांस में क्या होता है 14 जुलाई को भी परेड होता है जिसको बैस्टाइल परेड भी कहा जाता है। तो ये जो डे है 14 जुलाई 1789, यही स्टार्ट करता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बिगिनिंग, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थोड़ी बहुत जानकारी आपको आ गई होगी। अब हम लोग देख लेंगे कि फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी, लेट 18 सेंचुरी में फ्रेंच की सोसाइटी जो थी वो किस तरह से थी। तो फ्रेंच सोसाइटी, अब 18 सेंचुरी बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, 18 सेंचुरी उनको लगता है कि 1800 से लेकर 1900 तक को हम लोग 18 सेंचुरी कहते हैं, लेकिन नहीं, 18 सेंचुरी मतलब 1700 से लेकर 1799 ये वाले को हम लोग 18 सेंचुरी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर इन 1774 लुई 16 ऑफ द बोबन फैमिली ऑफ किंग्स असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस, ठीक है। तो लुई 16 जो थे वो बोबन फैमिली से बिलोंग करते थे, बहुत सारी फैमिलीज मोनार्कीज हुआ करती थी उस समय, तो फ्रांस बेसिकली मोनार्कीज था, ठीक है। तो लुई 16 जो बोबन फैमिली के थे वो थ्रोन असेंड करते हैं। ही वॉज ओनली 20 ईयर्स ओल्ड एंड मैरिड टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट, ठीक है। और इनकी वाइफ जो थी वो ऑस्ट्रियन बैकग्राउंड से थी, ऑस्ट्रिया से थी, उनका नाम मैरी एंटोनेट थी। अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी, जो उनका खजाना था वो बिल्कुल ही खाली था, ठीक है, जब भी जब वो राजा बने थे, ठीक है। और ये क्यों हुआ था, तो लॉन्ग इयर्स ऑफ वॉर हैज ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेस ऑफ फ्रांस, बहुत, क्योंकि फ्रेंच की जो कॉलोनीज थी बहुत जगह थी, अमेरिका में थी, अफ्रीका में थी, है ना, इंडियन ओशन के आइलैंड्स में थी, बहुत जगह अलग अलग जगह में फ्रेंच की कॉलोनीज हुआ करती थी, और वहां पर क्या हमेशा ही वॉर चलते रह रहा था। तो उस वॉर को पहले
पैसा कहाँ से मिल रहा था? तो ये फ्रेंच यहीं से जा रहा था, इस ट्रेजरी से जा रहा था, इसीलिए ट्रेजरी जो खाली पड़ी हुई थी। एडेड टू दिस वॉज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सेलिस। और उसके ऊपर से जो राजघराना हुआ करता था, उसका जो पैलेस था, पैलेस ऑफ वर्सेलिस, उसको मेंटेन करना, बहुत कुछ ये इसमें भी पैसा चल जाता था। ठीक है, तो अंडर लुई 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। ठीक है, तो जो 13 कॉलोनीज थी, अमेरिकन कॉलोनीज थी फ्रांस की, वो गेन कर लिए इंडिपेंडेंस कहाँ से? तो ऑब्वियसली ब्रिटेन से। ब्रिटेन जो थी उनकी कॉमन एनिमी हुआ करती थी, अमेरिका की भी और फ्रांस की भी कॉमन एनिमी उस समय में ब्रिटेन हुआ करती थी। आज ऐसा सिचुएशन नहीं। ठीक है, तो इन तीनों, ये तीनों के बीच में हुआ था युद्ध जिसमें ब्रिटेन हार गया था, और फ्रांस क्या हुआ था, इसीलिए फ्रांस का अधिकतर पैसा इसी में लग जा रहा था, वॉर को हेल्प करने में। ठीक है, तो द वॉर एडेड मोर देन बिलियन लिवर्स टू अ डेप्थ। लिवर्स जिस तरह से हम लोग इंडिया में रुपीस कहते हैं, पैसा रुपीस, उसी तरह से वहां पर लिवर्स कहा जाता है। तो इसके कारण बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा था। ठीक है, और जो कितना डेप्थ हो गया था, कितना लोन हो गया था एक तरह से, तो 2 बिलियन लिवर्स उस समय में इतना डेप्थ आ चुका था फ्रेंच जो मोनार्की थी, गवर्नमेंट थी उस समय में, उसके ऊपर में। लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगैन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन्स। और इंटरेस्ट रेट वो लोग 10% ले रहे थे। सो द फ्रेंच की जो जितने भी गवर्नमेंट गवर्नमेंट थी, उनको ज्यादातर जो भी पैसा था ट्रेजरी का, वो सब कुछ ये जो इंटरेस्ट पेमेंट हुआ करता था, जो डेब्ट को चुकाना पड़ता था, लोन्स को रीपे करना था, उसी में ही चला जाता था। ठीक है, टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच ऑफ कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, कोर्ट रनिंग, गवर्नमेंट ऑफिसेस, यूनिवर्सिटीज, द स्टेट वॉज फोर्स टू इंक्रीज द टैक्सेस। और जो बाकी के जो काम थे, वॉर में तो चली जा रहा था मोस्ट ऑफ द अमाउंट, लेकिन जो बाकी के जो काम थे, ये जैसे काम आर्मी को मेंटेन करना, कोर्ट ऑफ पैलेस ऑफ वर्सिलीज को मेंटेन करना, ऑफिसेस, यूनिवर्सिटीज, ये सब कामों के लिए भी वो कहाँ से पैसा आ रहा था? तो जो टैक्स रेट था, टैक्स को बढ़ा दिया गया था। ठीक है, टैक्स रेट बढ़ाने के बावजूद भी वहां पर ट्रेजरी उतनी ज्यादा पावरफुल, फिनेंशियल स्टेट जो स्टेटस था फ्रेंच गवर्नमेंट के उस समय में, बहुत ज्यादा सही नहीं थी। ठीक है, टैक्स बढ़ाने के बावजूद भी। ठीक है, तो ये हो गया, आपको पता चल गया कि फ्रेंच जो 18 सेंचुरी में किस तरह से थी। ठीक है, फिर कॉजेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से हमेशा ही बनता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, ऐसे आते ही हैं। तो सबसे पहला जो है कि इनइक्वालिटीज इन द फ्रेंच सोसाइटी। ठीक है, तो फ्रेंच सोसाइटी जो थी बेसिकली, इस फोटो इमेज में आपको समझ आ जाएगा, फ्रेंच सोसाइटी काफी ज्यादा अनइक्वल थी। क्यों? क्योंकि फ्रेंच सोसाइटी जो थी वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। ठीक है, 3 आप कह सकते हैं सोसाइटी या स्टेटस में डिवाइडेड थी। एक थी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। जो फर्स्ट स्टेट थी उसमें मेनली जो क्लर्जी मैन थे, ठीक है, वो क्लर्जी मैन आते थे। इसमें देख सकते हैं पिरामिड के टॉप में, वो फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी मैन। तो क्लर्जी वो होते थे जो चर्च के जो रिलीजियस मैटर को डील करते थे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा रिलीजियसली वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते थे, तो उनकी जो परसेंटेज है वो देख सकते हैं बहुत कम थी। ठीक है, फिर उसके बाद जो सेकेंड स्टेट थी उसमें मेनली कंसिस्ट करते थे नोबल्स। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा जो राजघराने से बिलोंग करते थे नोबल्स, और वो जो पॉपुलेशन थी वो जस्ट 2% थी। ठीक है, टोटल फ्रांस की पॉपुलेशन की जस्ट 2% पॉपुलेशन थी, लेकिन वो कितना अमाउंट ओन कर रहे थे, तो लगभग 20% जो अमाउंट है वो ओन कर रहे थे। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट जो अपर क्लासेस थे, वहां पर फर्स्ट में क्लर्जी मैन थे, सेकेंड में बेसिकली नोबल्स थे, नोबिलिटीज जो क्लास से बिलोंग करते थे, और जो थर्ड स्टेट था वो कॉमन पीपल के लिए था। ठीक है, उसमें थर्ड स्टेट था, और थर्ड स्टेट जो था वो भी तीन अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड थे। तो थर्ड स्टेट में जो पहला कैटेगरी था वो बोजियोस कहा जाता है, जहाँ जिसमें वेल्दी मर्चेंट्स बिलोंग करते थे, जो बहुत पैसे वाले मर्चेंट्स, ट्रेडर्स हुआ करते थे। फिर इनके बाद में आ जाता था सेकेंड जो स्टेटस था, वो सिटी वर्कर्स के बाद था। ठीक है, उनके पास में उतना ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन थोड़ी बहुत उनके पास पैसे हो जाती थी। और थर्ड स्टेट का सबसे जो लोअर स्टेटस था वो था पीजेंट्स, जिसमें जो किसान थे या जिनके पास खेत भी नहीं था, लैंडलेस फार्मर्स थे,
वो सब आ जाते हैं जो सबसे गरीब थे फ्रांस में। तो जो थर्ड स्टेट है वो लगभग 80% ऑफ द पॉपुलेशन तो ये थर्ड स्टेट ही आता था, ठीक है, 80% ऑफ द पॉपुलेशन। लेकिन देख सकते हैं कि इनके पास जो पैसा था वो बहुत बहुत कम था, ठीक है। तो इस तरह से ये सोसाइटी जो था वो काफी ज्यादा अनइक्वल था। एट प्रेजेंट अगर इंडिया का सिचुएशन देखेंगे तो वो अभी ऐसे ही है। इंडिया में क्या चल रहा है, तो जो टॉप 1% है, 1% जो रिचेस्ट लोग हैं, उनके पास में 50% ऑफ द इंडियन जीडीपी, मतलब 100 रुपया में से अगर इंडिया के पास 100 रुपया टोटल, तो जो 1% लोग हैं, टॉप के जो 1% लोग हैं, उनके पास 57 रुपीज है। और बाकी देख सकते हैं 99% लोगों के पास में लगभग कितना है, तो 43 रुपया है, 43%। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा इनइक्वालिटी है। जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहा है, गरीब जो है और गरीब होते जा रहा है, ठीक है। ये जैसे जैसे आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ये सब कुछ आपको क्लियर होते जाएगा। इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। व्हाइल द पीजेंट्स कंप्राइज्ड अबाउट 90% ऑफ द फ्रेंच पॉपुलेशन, ओनली फ्यू ओन लैंड्स। तो जैसा मैं कह रहा था, थर्ड स्टेट्स जो है वो लगभग 90% थे, लेकिन लैंड या पैसा बहुत कम ही था। 60% ऑफ द लैंड वर ओन्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट्स। जो पहले दो स्टेट्स थे, क्लर्जीमैन एंड नोबल्स की, वही ज्यादातर लैंड ओन करते थे, और लैंड ओन करते थे मतलब उन्हीं के पास ज्यादा पैसा था। वन ऑफ द मेन रीजन वाई द रिवोल्यूशन ब्रोक आउट वर बिकॉज द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट पेड टैक्सेस टू द स्टेट, ठीक है। और सबसे मेन रीजन कहा जाता था कि ये तीनों स्टेट्स तो थे, लेकिन जो पहले दो स्टेट्स थे, द क्लर्जीमेन्स और नोबल्स की, वो लोग टैक्स नहीं देते थे। जो थर्ड स्टेट्स था सिर्फ उन्हीं पर टैक्स लागू किया गया था। तो जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो बहुत ज्यादा आक्रोश में थे कि हम ही लोग क्यों टैक्स दें, बाकी सबको टैक्स देना चाहिए। तो द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट वेर एग्जेम्प्टेड, ठीक है, टू पे एनी टैक्सेस टू द किंग, ठीक है। द नोबिलिटी एंड द क्लर्जी मैन एंजॉयड मेनी प्रिविलेजेस इन द फ्रेंच सोसाइटी। जो फर्स्ट टू स्टेट थे, देख सकते हैं इस फोटो में, ये नोबिलिटीज या क्लर्जी मैन कह सकते हैं, और ये थर्ड स्टेट के थे, ये फर्स्ट या सेकेंड स्टेट के किसी के भी हो सकते हैं, ये थर्ड स्टेट के थे। तो देख सकते हैं किस तरह से वो टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है। द नोबल्स एक्सट्रैक्टेड फ्यूडल ड्यूज फ्रॉम द पीजेंट्स, द लेटर वेर ऑल्सो कंपेल्ड टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द नोबल मैन बाई वर्किंग इन द फील्ड एंड हाउसेस, दे ऑल्सो हैड टू सर्व इन द आर्मी। तो थर्ड स्टेट की देखिए कितनी खराब सिचुएशन थी। जो फर्स्ट टू स्टेट्स थे, क्लर्जी मैन एंड नोबल्स के घरों में काम भी करना पड़ता था, खेतों में भी काम करना पड़ता था, और जरूरत पड़ने पर उन्हें आर्मी भी ज्वाइन करना पड़ता था, और जो फॉरिनर्स या एनिमी कंट्री थी उनके साथ भी लड़ना पड़ता था। तो ये सब, तो क्लर्जी मैन एंड जो नोबल्स थे वो काफी ज्यादा प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे थे, ठीक है। एंड द चर्च ऑल्सो कलेक्टेड रिलीजियस टैक्सेस फ्रॉम द पीपल नोन एज तिथीस। तो जो रिलीजियस टैक्स होता है उसको तिथीस कहा जाता है, क्योंकि ये एमसीक्यूज में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या 1 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि तिथीस का मतलब क्या है। तो रिलीजियस टैक्सेस फ्रॉम द पीपल, ठीक है, और ये मेनली थर्ड स्टेट ही दिया करता था, क्योंकि सेकेंड स्टेट या फर्स्ट स्टेट को देना नहीं था, सिर्फ थर्ड स्टेट ही देते थे। द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे डायरेक्ट टैक्स टू द स्टेट नोन एज टैली, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स को बेसिकली टैली, ये दोनों जो है, तिथीस एंड टैली जो है, वो सिर्फ थर्ड स्टेट को ही देना था, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस वर ऑल्सो इम्पोस्ड, डायरेक्ट टैक्सेस भी है, फिर जो रिलीजियस टैक्सेस है वो भी देना पड़ा, फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो वेयर ऑल्सो इम्पोज्ड ऑन टोबैको, सॉल्ट एंड मेनी एवरीडे आइटम्स, जो एवरीडे रोजमर्रा की जरूरत के सामान है उन पे भी इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जा रहे थे, ठीक है। तो दस द थर्ड स्टेट वॉज सेटलिंग विथ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। तो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल सिचुएशन किस तरह से था, और फर्स्ट और सेकंड स्टेट काफी प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे थे, उनको ना टैक्स देना है ना कुछ देना है, और थर्ड स्टेट को सबसे ज्यादा सफर करना पड़ रहा था। तो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से जो फ्रेंच सोसाइटी थी उस समय में किस तरह से डिवाइडेड थी, किस तरह से अनइक्वल था, ठीक है। तो ये पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है, मैं बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस कर रहा हूँ। सेकेंड जो है वो है स्ट्रगल टू सर्वाइव, ठीक है। तो इतना फाइनेंशियल स्ट्रेस अगर थर्ड स्टेट पाएगा तो ऑब्वियसली सर्वाइवल इतना आसान नहीं होगा, ठीक है, महंगाई बहुत बढ़ जा रही थी। और क्यों, तो देख सकते हैं कि पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस भी बहुत इंक्रीज कर रही थी। 23 मिलियन था 1715 में, ये 28 मिलियन हो गया 1789 में, ठीक है। दिस लेड टू रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो खाने
खाना भी ज्यादा जरूरत पड़ेगा, है ना। प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स कुड नॉट कीप द पेस, और उस तरह से प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा था, उससे नहीं हो पा रहा था, सो ऑब्वियसली महंगाई बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर डिमांड बहुत ज्यादा है मान लेते हैं और सप्लाई बहुत कम है, डिमांड डिमांड है ये और ये सप्लाई है, तो देख सकते हैं कितना ज्यादा गैप है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, प्राइस जो है किसी भी कॉमोडिटी का, उसका प्राइस ऑब्वियसली इंक्रीज होना ही है। तो जो ब्रेड हुआ करती थी, जिस तरह से हम लोग इंडिया में मोस्टली रोटी खाते हैं, चपाती जिसको कहा जाता है, उसी तरह से वहां पर ब्रेड बहुत ज्यादा कॉमन यूज किया जाता था, व्हाइट ब्रेड। तो ये इसका जो प्राइस था ये भी बहुत ज्यादा आसमान छूने लग गया था, बहुत ज्यादा। इसके लिए लंबी लंबी लाइनें लगती थी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन द वर्कशॉप्स हुज ओनर फिक्स्ड देयर वेजेस, बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन द प्राइसेस। ठीक है, और जो थर्ड स्टेट्स के जो मोस्ट ऑफ द लोग जो लोग थे, ठीक है, वो ऑब्वियसली ये सब लेबरर्स का, पीजेंट्स का काम करते थे, खेतों में काम करते थे, उनका जो वेज था, उनकी जो सैलरीज थी वो बहुत ज्यादा फिक्स कर दी गई थी। और जैसे जैसे महंगाई बढ़ रहा था उस हिसाब से सैलरी भी बढ़नी चाहिए, लेकिन सैलरी उनकी नहीं बढ़ रही थी। इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा था, महंगाई बढ़ रहा था, लेकिन सैलरी जो थी वो वहीं की वहीं हो गई थी। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंट, ये मैंने बता ही दिया। दिस थिंग्स बिकेम वर्स एंड व्हेन ड्रॉट और हेल रिड्यूस्ड द हार्वेस्ट। तो ऐसा एक साल आया जिसमें क्या हुआ, इतना ज्यादा सूखा पड़ गया या ऐसा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आ गया कि कोई खेती ही नहीं हुई, कुछ भी गेहूं का उत्पादन ही नहीं हो पाया, और गेहूं का उत्पादन नहीं हो पाया तो ऑब्वियसली ब्रेड नहीं बनेगा, और ब्रेड नहीं बनेगा तो लोग खाएंगे क्या। ठीक है, महंगाई बढ़ेगी ऑब्वियसली। तो दिस लेड टू सब्सिस्टेंस क्राइसिस, समथिंग दैट ऑकर्ड फ्रीक्वेंटली इन द फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रिजिम। ओल्ड रिजिम का मतलब क्या है, तो जो 14 जुलाई 1789 से पहले वाला जो रूल हुआ करता था उसको बेसिकली ओल्ड रिजिम कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, रिवॉल्यूशन से पहले वाला जो टाइम था उसको बेसिकली ओल्ड रिजिम कहा गया है, डिनोट किया गया। और सब्सिस्टेंस क्राइसिस उसे कहते हैं जब आपको खुद खुद के सर्वाइवल के लिए खाना या कुछ भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, उसको हम लोग सब्सिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा कारण आप देख सकते हैं किस तरह से महंगाई, फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी फ्रांस में। ठीक है, फिर तीसरा कारण है राइज ऑफ द मिडिल क्लास। ठीक है, तो मिडिल क्लास का राइज ऑब्वियसली होना ही था। ठीक है, क्योंकि जो अब पुअर थे वो तो बहुत पुअर हो ही गए, और जो अमीर थे तो ऑब्वियसली अमीर हो ही गए। तो जिस कंट्री में, जिस भी कंट्री में मिडिल क्लास स्ट्रांग रहेगा, ठीक है, उस कंट्री की स्टेबिलिटी बरकरार रहेगी। ठीक है, देख सकते हैं जैसे इंडिया में देख सकते हैं कुछ हद तक यहाँ पर मिडिल क्लास थोड़ी बहुत स्ट्रांग दिखती है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसके रिस्पेक्ट में अगर हमारा पड़ोसी में पाकिस्तान देखेंगे तो वहां पर क्या है, वहां पर या तो अमीर लोग है या गरीब लोग, वहां पर मिडिल क्लास बोल के कोई चीज ही नहीं है, इसीलिए वहां की कंट्री जो है वो काफी ज्यादा अनस्टेबल भी रहती है। ठीक है, तो मिडिल क्लास का स्ट्रांग होना, राइज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देयर वाज अ राइज एंड एमर्जेंस ऑफ मेनी सोशल ग्रुप्स इन फ्रांस इन द 18th सेंचुरी, दे वर ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, लॉयर्स एंड टीचर्स। तो यही सारे क्या है, ये थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने थर्ड स्टेट में भी देखा था कि तीन अलग अलग कैटेगरीज थे। ठीक है, तो जो पहले दो कैटेगरीज थे ये इसमें आते थे, जो तीसरा जो लोअर मोस्ट कैटेगरी था पीजेंट का या लैंडलेस फार्मर्स का, तो वो तो पुअर में आते थे, लेकिन जो पहला और दूसरा कैटेगरीज था वही मिडिल क्लास में आते थे, जिसमें मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन जो पढ़े लिखे लोग थे वो सब आते थे। द ट्रेडर्स एंड बिजनेसमैन हैड एक्वायर्ड वेल्थ थ्रू ओवरसीज ट्रेड, और ओवरसीज ट्रेड करके वो बहुत ज्यादा क्या पैसा कमा चुके थे जो ट्रेडर्स बिजनेसमैन थे, क्योंकि ओवरसीज ट्रेड्स बहुत ज्यादा होता था, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हुआ करता था। ठीक है, तो द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, लॉयर्स, टीचर्स वर एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप शुड बी गिवन स्पेशल प्रिविलेजेस मियरली ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, है ना। तो ये पढ़े लिखे लोग थे तो इनको समझ आ चुका था कि हम फर्स्ट और सेकेंड स्टेट को ही प्रिविलेजेस क्यों दें। ठीक है, ऐसा नहीं है ना कि अगर वो राजा के घर में पैदा हुआ है तो उसको सारे प्रिविलेजेस मिलेंगे, और जो राजा के घर में पैदा नहीं हुआ है तो उसको कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा। तो ये जो बे ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ जो प्रिविलेजेस थी उसको मिडिल क्लास हटाना चाहती थी। दे बिलीव दैट द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट्स शुड ऑल्सो पे टैक्सेस टू द स्टेट। ये बिल्कुल सही है,
कि इन दोनों को अगर टैक्स देना है तो तीनों स्टेट्स को बराबर देना चाहिए, है ना। तो ऐसा कुछ भी इक्वालिटी बोल के चीज ही नहीं थी उस समय। द मिडिल क्लास इन फ्रांस वॉज इंस्पायर्ड बाय द राइटिंग ऑफ सोशल थिंकर्स एंड फिलोसोफर। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिलोसोफर्स का रोल किस तरह से था आपके फ्रेंच रिवोल्यूशन में। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो फिलोसोफर्स थे, थिंकर्स थे, उनके नाम, उनके जो वर्क्स थे, बुक जो लिखे थे, उनका इंस्पिरेशन क्या था, वो सब कुछ लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें तीन इंपॉर्टेंट फिलोसोफर्स थे, वो आप देख लेंगे, ठीक है, जिसमें जॉन लॉकी एंड जीन जैकिस रोसियो वे टू सच थिंकर्स हु रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ डिवाइन राइट ऑफ द किंग, है ना। तो जो किंग का जो राइट होता है, ठीक है, तो बर्थ राइट जिसको कहा जाता है, ठीक है, राजा का बेटा राजा बनेगा, वो जो सिस्टम था ये आइडिया को फुल्ली रिजेक्ट करते थे। ये जो सोशल थिंकर थे ये फुल्ली रिजेक्ट करते थे। फिर जॉन लॉकी ने एक बुक लिखी थी, ये बुक भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में 1 मार्क्स में भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये किसने लिखे थे, तो जॉन लॉकी ने। इसमें क्या था, तो सॉट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क, ठीक है। तो जो मोनार्क थे, जो राजा थे, उनको जो एब्सोल्यूट राइट हो जाता था कि वो पीपल को, जो आम जो लोग थे, उनको ओन करते थे, ये जो चीजें थी ये सब कुछ उनको बिल्कुल ही वाहियात लगता था, ये फुल्ली इसको रिजेक्ट करते थे जॉन लॉकी। यही चीज इसमें इन्होंने लिखा था, द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्की ही बात इसमें की जा रही है, ठीक है। फिर जो जीन जैक्स रॉसियू, ठीक है, रॉसियो प्रोपाउंडेड दैट द गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन सोशल कंट्रैक्ट ड्रॉन बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये रॉसियो ने क्या उनसे बुक लिखा था, सोशल कंट्रैक्ट बोलकर बुक लिखी थी, ठीक है। इसमें बोला, इसमें बेसिकली वो सोशल कंट्रैक्ट के बिटवीन के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें पीपल एंड गवर्नमेंट के बीच में अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। पीपल जो है वो गवर्नमेंट को चूज करेंगे और गवर्नमेंट पीपल के जो प्रॉब्लम्स है, जो उसको बेसिकली डील करेंगे और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो ये एक सोशल कंट्रैक्ट था, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको चुना जाएगा दोबारा, नहीं करेंगे तो नहीं चुना जाएगा। यही चीज इसमें रसियों ने भी ये कहा था, सोशल कंट्रैक्ट के बीच में। फिर जो तीसरा जो बुक था, तीसरा फिलोसोफर थे, वो भी इंपॉर्टेंट है, मॉन्टेस्क्यू। इन्होंने लिखा था द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ठीक है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज प्रपोज्ड अ डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी। तो जैसे जिस तरह से हमारे थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में, सिविक्स के पोर्शन में, कि थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कौन से हैं, तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ये जो आइडिया आया है ये मॉन्टेस्क्यू की बुक से ही आया है, बेसिकली द स्पिरिट ऑफ द लॉज। तो ये तीनों ही बुक और ये तीनों ही जो थिंकर्स फिलोसोफर्स थे, इनकी थिंकिंग, इनकी बुक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन हमेशा आता ही है इससे, या 1 मार्क्स में भी आ सकता है या लॉन्ग फॉर्मेट में भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दीस आइडियाज ऑफ द फिलोसोफर वर डिस्कस्ड एवरीवेयर, सब जगह इनकी बातें डिस्कस होने लग गई थी, कॉफी शॉप हो, सैलून्स हो, कोई भी कॉमन प्लेसेस हो, वहां पर ये एक्सचेंज होने लगे थे, आइडियाज, व्यूज, ओपिनियन एक्सचेंज हो रहे थे। इंस्पायर्ड बाय दिस आइडियाज पीपल बिगैन टू अपोज द स्पेशल प्रिविलेजेस एंजॉयड बाय द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड स्टेट। तो ऑब्वियसली अगर बातचीत, डिबेट होगी तो लोगों को पता चलेगा कि कौन सा ठीक है नहीं है। तो ये पूरी तरह से मोस्ट ऑफ द जो लोग थे थर्ड स्टेट के, वो पूरी तरह से ये रिजेक्ट करते थे कि सिर्फ थर्ड स्टेट को ही टैक्स देना होगा, ठीक है। तो इसीलिए जब आप देख सकते हैं कि इंडिया में भी इलेक्शन आने वाला है, तो अगर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे कि कौन सा पार्टी अच्छा है, कौन सा नहीं है, किसने क्या काम किया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन खड़ा हो रहा है, ये सब पता होना चाहिए, कौन से पार्टी के लीडर में क्या बैकग्राउंड है, वो सब जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमको अपने कंट्री को स्ट्रांग बनाना है तो हमें लिटिल बिट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पॉलिटिक्स में रखना होगा। ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम इसमें इन्वॉल्व करना, लेकिन अगर आप अपना फ्यूचर अच्छा करना है तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल थिंकिंग होना ज़रूरी है हर स्टूडेंट में, या हर इंसान को ही पॉलिटिकल थिंकिंग होना ज़रूरी है, नहीं तो आप कुछ 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 भी नहीं कर पाएंगे सही से। आप देख सकते हैं सिचुएशन क्या है इंडिया में अभी फिलहाल। हम लोग आगे बढ़ते हैं, द एजुकेटेड यूथ इन फ्रांस वॉज इंस्पायर्ड बाय द राइट्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी विच वर इंश्योर्ड इन द अमेरिकन रेवोल्यूशन, और अमेरिकन रेवोल्यूशन भी हो रहा था तो वहां पर ये सब आइडियाज ऑलरेडी आ चुका था लिबर्टी, इक्वालिटी का। तो उसमें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आपने देखा
देखा ही होगा अमेरिका में, तो वो उसी तरह से फ्रांस भी काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हो गया था, जो फ्रांस के एजुकेटेड यूथ है, ठीक है, और उसी से इंस्पिरेशन लेके बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज है वो भी इंस्पायर हुए थे, क्योंकि फ्रांस को दिल धड़कन कहा जाता है पूरे यूरोप का, ठीक है, तो उसीलिए अगर फ्रांस जो करेगा बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज है वो भी वही चीज फॉलो करेंगे। वो आज के समय में भी ऐसा ही कुछ सिचुएशन है, फ्रांस काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है यूरोप में, तो इसीलिए, और फ्रांस से क्या हुआ, यूरोप जैसा करेगा उसी वैसा ही एशिया भी करेगा, ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग भी देखकर, इंडिया चाइना जैसे कंट्रीज भी देखकर, ये लिबर्टी इक्वालिटी इन सब की हम लोग भी वहीं से ही सीखे हैं बेसिकली, तो इसीलिए रिवॉल्यूशन का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जैसे जिस तरह से एजुकेटेड यूथ का फ्रांस में रोल रहा है उसी तरह से इंडियन एजुकेटेड यूथ का भी रोल रहा है, जिसमें राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है ना, स्वामी विवेकानंद, इन सब का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट से भी जोड़कर पढ़ना बहुत जरूरी है। व्हेन द पीपल लर्न दैट द किंग वाज प्लानिंग टू फर्दर इंक्रीज टैक्सेस द रोज इन रिवोल्ट, ठीक है, और जब लोगों को पता चल गया कि लुई 16 जो है वो और टैक्स बढ़ाना चाहते हैं, लोग तो ये सोच रहे थे कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेट को भी टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन उल्टा में जो मोनार्क जो राजा था लुई 16 वो क्या कर रहा था, थर्ड स्टेट के लिए स्पेशली वो टैक्स रेट और ज्यादा बढ़ा रहे थे, ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, ऑब्वियसली रिवोल्ट तो होना ही है, तो ऑब्वियसली रिवोल्ट स्टार्ट हो चुका था, ठीक है, तो वॉर्स हैड ड्रेन द फ्रेंच ट्रेजरी, ये तो हम लोग ने डिस्कस कर चुके थे, बहुत ज्यादा डेप्थ आ चुका था फ्रांस के ऊपर, ठीक है, और वो मोस्ट ऑफ द जो पैसा था वो ऑब्वियसली क्रेडिटर्स को पैसा इंटरेस्ट देने में ही निकल जा रहा था, टू इम्प्रूव द सिचुएशन फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द स्टेट द किंग डिसाइडेड टू इंक्रीज द टैक्सेस लेवाई, इसीलिए शुरू में मैंने बताया कि टैक्स रेट इसीलिए राजा जो था वो बढ़ा रहे थे। व्हेन द किंग कॉल्ड द मीटिंग ऑफ एन असेंबली ऑफ द स्टेट्स जनरल टू पास द प्रपोजल ऑफ न्यू टैक्स द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वॉक आउट फ्रॉम द मीटिंग डिमांडिंग दैट एवरी पर्सन इन द असेंबली शुड हैव वन वोट कंट्री टू द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस ऑफ वन स्टेट हैविंग वन वोट, ठीक है, तो पहले क्या होता था, जो एक तीन स्टेट है स्टेट्स है ना, तो तीनों स्टेट का कंबाइन एक एक वोट हुआ करता था, लेकिन जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो चाहते थे कि हर पर्सन जो था उसका एक सिंगल वोट काउंट किया जाए, ठीक है, और ये कारण तो था वॉकआउट होने का, और दूसरा कारण ये था कि जो थर्ड न्यू टैक्स रेट था वो भी काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया था थर्ड स्टेट्स के लिए, तो ऑब्वियसली जो थर्ड स्टेट्स के जो लोग थे मेंबर थे जो भी वहां पर लगभग 600 मेंबर्स पहुंचे थे थर्ड स्टेट्स से, और फर्स्ट और सेकंड स्टेट से 300 मेंबर थे, 600 जो मेंबर्स थे उन्हें खड़ा किया गया था और थर्ड स्टेट को सीट मिल गई थी, तो ये ऐसा कुछ सिचुएशन था, उतना जाना जरूरी नहीं है, लेकिन ये इसी भी जो थर्ड स्टेट्स थे वो ये जो स्टेट जनरल की मीटिंग थे वो उसे वॉकआउट कर चुके थे, तो बहुत बार इससे क्वेश्चन आता है कि क्यों वर्कआउट किए थे, तो ये कारण था, द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट असेंबल्ड इन द इंडोर टेनिस कोर्ट ऑन 20 जून 1789, ठीक है, तो ये इन सब से खुश नहीं थे, इसीलिए वो जितने भी थर्ड स्टेट के लोग थे वो टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हो गए थे 20 जून 1789 में, और उन्होंने क्या एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, ठीक है, डिटरमाइंड टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन विच वुड लिमिट द पावर ऑफ द किंग, ठीक है, जो कि मोनार्क की जो पावर थी उसको लिमिट कर सके, जो टैक्स रेट है वो बढ़ा ना सके, ये जो था वो ड्राफ्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन, और ये इसको लीड कौन कर रहा था, तो मीराबू एंड एबीसीस, यही दोनों पर्सन थे जो लीड कर रहे थे बेसिकली, तो इस फोटो में देख सकते हैं जो टेनिस कोर्ट का है जहां पर थर्ड स्टेट के लोग सारे इकट्ठा हुए थे, और जो ये थर्ड स्टेट की मीटिंग हुई थी इसी को मेनली नेशनल असेंबली कहा गया था, ठीक है, नेशनल असेंबली, ठीक है, तो ये 28 जून 1789 में ही हुआ था, कौन लेट करा था ये भी इम्पोर्टेंट है, मीराबू एंड एबीसीस, ठीक है, तो मीराबू जो थे वो नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, तो सोचिए ये खुद ही नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन जो फ्यूडल प्रिविलेजेस थे नोबल लोगों को मिलती थी वो इसको रिजेक्ट करते थे, ठीक है, तो नोबिलिटी हायर क्लास होने के बावजूद भी वो उसको फॉलो नहीं करते थे, फ्यूडल जो प्रिविलेजेस थे जो बॉन्डेड लेबर वाला सिस्टम था उसको बिल्कुल ही रिजेक्ट करते थे, और एबीसीज जो थे वो प्रिस्ट थे, तो सोच सकते ये क्लर्जी मैन से थे, ये फर्स्ट कैटेगरी वाले थे, ये सेकंड कैटेगरी वाले थे, लेकिन तो भी इन दोनों ने ही मिलकर बेसिकली नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन किया, रोट एन इन्फ्लुएंस पैम्पलेट कॉल्ड व्हाट इज द थर्ड स्टेट, तो किसने किया था, तो एबीसीज ने, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो ड्यूरिंग दिस टाइम द
प्राइसेस ऑफ द ब्रेड रोज इन फ्रांस, ठीक है, तो ये तो कारण था ही, टैक्स रेट बढ़ गया। लेकिन अब मैंने पहले ही बताया कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत कम हो गया था, पॉपुलेशन बढ़ गया था, ऊपर से ड्रॉट, एनवायरमेंटल क्लाइमेटिक कंडीशन सही नहीं थे, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत कम हो गई थी, तो ब्रेड की जो प्राइस थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। और बेकर्स जो थे वो होड भी करने लग गए थे, जमाखोरी भी करने लग गए थे, इसके कारण ऑब्वियसली प्राइस बढ़ेगी। तो एजिटेटेड बाई द अनअवेबिलिटी ऑफ ब्रेड, पीपल इंक्लूडिंग वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स। तो ऑब्वियसली हम लोग जो भी कुछ करते हैं वो पेट के लिए ही कर रहे हैं। मान लीजिए अगर आपको, हम लोग को भूख ही नहीं लगता, तो क्या हम लोग पढ़ाई पढ़ते हैं या नौकरी वोकरी कुछ भी हम लोग करते हैं? नहीं करते ना। तो सब कुछ पेट के लिए ही हो रहा है, पेट को शांत करने के लिए, भूखा ना रह पाए, ठीक है, इसीलिए मेनली किया जा रहा था। तो ऑब्वियसली जब खाना ही नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली सब कोई रिवोल्ट करेंगे। इंडिया में भी ऐसा ही हुआ था, इंडिपेंडेंस में बहुत बार फैमाइन आया था, खाना नहीं मिलने के कारण ऑब्वियसली रिवोल्ट होता है। आपको भी देख लीजिए, अगर आपको एक समय दो समय तक खाना ना मिले तो आपका जो एटीट्यूड बिहेवियर है वो भी काफ़ी ज़्यादा रिबेलियस हो जाएगा, आप भी ज्यादा आक्रोश करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, है ना। तो वही चीज जो वहाँ के कॉमन फ्रेंच मैन, फ्रेंच वुमेन थे, वो सब कुछ ब्रेड जो बेकर्स थे उनके शॉप को तोड़ रहे थे, लूटपाट हो रहा था। सो द किंग ऑर्डर्ड हिज ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस एंड एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म इन द प्रिजन ऑफ बास्टिल एंड लिबरेटेड इट्स प्रिजनर। और इसी दिन को, जो मैं पहले शुरू में सबसे पहले स्टार्ट किया था, कि इसी दिन क्या हुआ, सारे लोग आ गए इकट्ठा, क्योंकि मोनार्क जो राजा थे लुई 16, वो ऑर्डर कर चुके थे कि सारे आर्मी एंटर कर जाओ पेरिस में और जो भी रिवोल्ट कर रहे हैं उनको हटा दो। लेकिन क्राउड भी काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में थे, वो प्रिजन ऑफ बैस्टाइल को तोड़ देते हैं, ठीक है, 14 जुलाई 1789 को तोड़ देते हैं, और जितने भी वहाँ पर प्रिजनर्स थे, मात्र 7 प्रिजनर्स थे जब भी ये हो रहा था, उनको सब छुड़ा लेते हैं। और जो उनकी बैस्टिल प्रिजन की जो पत्थर थी उनको एज अ सोविनियर भी बेचा जा रहा था। तो बहुत कुछ ये सब सिचुएशंस हो रहा था, तो एक काफ़ी फिल्मी सीन सा बन क्रिएट हो चुका था फ्रेंच रिवोल्यूशन का, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको समझ आ चुका था। अब हम लोग, एज द नंबर ऑफ रिवोल्ट बिगैन टू ग्रो द फ्रेंच मोनार्क रिकॉग्नाइज द फ्रेंच असेंबली, और रिवोल्ट जो था वो धीरे धीरे बढ़ ही रहा था, फ्रेंच आर्मी से कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। तो इसीलिए जो फ्रेंच के मोनार्क थे वो अल्टीमेटली फ्रेंच असेंबली जो थी उसको वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। हिज पावर कुड नाउ बी चेक्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसको जो पावर है वो कंट्रोल हो सकता था। तो ऑन द नाइट ऑफ 4th अगस्त 1789 द असेंबली पास्ड अ डिक्री अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस। तो जो बॉन्डेड लेवल वाला सिस्टम था उसको अबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वेर फोर्स्ड टू गिव अप द प्रिविलेजेस, जो फर्स्ट टू क्लासेस थे उनके जो प्रिविलेजेस मिले थे वो भी हटा दिया गया। तिथीज वेर अबॉलिश, जो रिलीजियस टैक्स था वो अबॉलिश किया गया। लैंड ओन्ड बाय द चर्च वेर कन्फिस्केटेड, चर्च जो लैंड ओन करते थे जबरदस्ती वो भी कन्फिस्केट कर दिया गया था। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लीवर्स, और इसी के कारण क्या हुआ, तो ये जितने भी अमीर लोग थे उनसे सारा पैसा इकट्ठा किया गया, और जो फ्रांस के जो ट्रेजरी थी उसमें 2 बिलियन लीवर्स जो थे एटलीस्ट आ चुके थे। तो फिनेंशियल सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई थी, ठीक है, आफ्टर फ्रेंच असेंबली। तो देख सकते हैं फ्रेंच नेशनल असेंबली आने के बाद कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट आ चुका था। फिर फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो आ गया था लेकिन मोनार्की भी था अभी तक, ठीक है। फिर धीरे धीरे जब हम लोग पढ़ेंगे आगे तो पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से किस तरह से वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक बन चुका था, ठीक है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। द नेशनल असेंबली, जो फ्रेंच असेंबली थी, कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट, ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच लिमिटेड द पावर ऑफ द किंग एंड द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल पावर वर असाइन टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। तो आप देख सकते हैं 1791 में ये सब हो रहा था। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तीन अलग अलग ऑर्गन से, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ठीक है। तो जुडिशियरी में, और उसमें भी क्या हो रहा था, दो काइंड ऑफ सिटीजन थे, एक होते थे एक्टिव सिटीजन और एक होते थे पैसिव सिटीजन। जो एक्टिव सिटीजन थे उनको पास राइट था वोट देने का, अधिकार था, वोट दे सकते थे, और पैसिव सिटीजन बेसिकली विमेन, चिल्ड्रेंस, ऐसे मेन जिनकी उम्र जो 25 साल से कम थी, वो सारे जो उतना ज़्यादा पैसा वैसा नहीं कमाते थे वो पैसिव सिटीजन में आते थे, उनके पास वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन एक्टिव सिटीजन जिनके पास पैसा था, और मेन को ही स्पेशली ये वोट देने का अधिकार था, तो वो वोट देकर क्या था, अपने इलेक्टोर्स,
अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते थे, और ये इलेक्टर्स इनडायरेक्टली क्या होता था, वो नेशनल असेंबली को चूज किया जाता था। तो एक्चुअली में क्या हो रहा था, तो हम लोग इनडायरेक्टली नेशनल असेंबली को, जो आगे आम पब्लिक है, वो चूज कर रहे थे, ठीक है। और लेजिस्लेचर का काम ही क्या है, वही लॉज बनाना, और एग्जीक्यूटिव के अंदर में जो किंग आते थे और उनके मिनिस्टर आते थे, तो ये क्या था, नेशनल असेंबली जो था, किंग को कंट्रोल कौन कर रहा था, तो किंग को कंट्रोल मेसली नेशनल असेंबली कर रहा था, ठीक है। और नेशनल असेंबली को मिनिस्टर्स भी कंट्रोल कर रहे थे, तो एग्जीक्यूटिव को कौन कंट्रोल कर रहा था, तो एक तरह से लेजिस्लेचर पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा था। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव था उसके पास भी वीटो पावर हुआ करता था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चेक्स एंड बैलेंसेस है, लेकिन जुडिशियरी जो है वो काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट था, और ये इंडिपेंडेंट होना जरूरी भी है। लेकिन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो होता था, वहां पर पावर जो था काफी ज्यादा ओवरलैपिंग था, और चेक्स एंड बैलेंसेस हुआ करते थे, एक दूसरे को वो कंट्रोल करते थे। तो ये देख सकते हैं, एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन के बारे में आपको पता होना चाहिए, इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट फोटो दिया गया है, आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो द नेशनल असेंबली है द पावर टू फ्रेम लॉस फॉर द कंट्री, ठीक है, वो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था। मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली वर इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ इलेक्टोरेट्स, ठीक है। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था, वो इलेक्टोर्स को चूज करते थे, और इलेक्टोर्स जो थे वो नेशनल असेंबली को चूज करते थे, ठीक है। तो द बॉडी ऑफ इलेक्टोर्स वर इलेक्टेड बाय द सिटीजन हु पेड टैक्सेस टू द गवर्नमेंट एंड हु वर टर्म्ड एन एक्टिव सिटीजन। तो जो टैक्स देते थे, और सिर्फ मेन ही थे, ये मेंस ही सिर्फ एक्टिव सिटीजन में आते थे, विमेंस बिल्कुल ही अलाउड नहीं थी। अदर मेन एंड ऑल विमेन हैड नो वोटिंग राइट्स, उनको अधिकार ही नहीं था। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड मैन एंड सिटीजन राइट, सच एज राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, वेर established as a natural and inalienable right, that is, they belong to each human by birth and could not be taken away. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में ये डिक्लेयर किया गया था, जिस तरह से हमारे इंडिया में प्रियम्बल होता है, ठीक है। तो प्रियम्बल में सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, इन सब के बारे में बात किया गया। उसी तरह से वहाँ का जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन है, उसमें भी यही सारी चीज़ें बात की गई थी वो, और राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी, और ये सब नेचुरल एंड इनएलिएबल राइट्स थे। लेकिन ये सारे ही पेपर में थे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं था, ये आप फ्यूचर में समझेंगे, ठीक है। इट वाज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट्स टू प्रोटेक्ट द ईच सिटीजंस ऑफ द नेचुरल राइट, जिसको हम लोग यहाँ पर इंडिया में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है, ये सिर्फ ऑन द पेपर थे, ऐसा कुछ हो नहीं रहा था रियलिटी में, ठीक है। तो क्योंकि अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, जो रिपब्लिकन रिपब्लिक होता है वहां पर सिचुएशन डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की देख चुके हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, पार्ट सेकंड में, हम लोग बेसिकली रिपब्लिक, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, इन सब के बारे में हम लोग, फिर विमेन का क्या रोल था, वो सब कुछ हम लोग सेकंड पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में अब थोड़ा सा और कुछ बच गया है, कि ये सारे भी काफी बार क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाते हैं, इमेज दिखाकर पूछा जा सकता है कि ये इमेज क्या सिग्निफाई करते हैं, ठीक है। तो वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये देख सकते हैं, ब्रोकन चेन क्या सिग्निफाई करता है, द चेन्स वर यूज टू फिट अ स्लेव्स, स्लेव्स को बांध कर लिया जाता था, है ना, स्लेव्स को या कैदी लोगों को। तो ब्रोकन चेन स्टैंड फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, आजाद, आजादी के लिए, ठीक है। फिर सेकंड जो है वो है द बंडल ऑफ रॉड एंड फेसेस, ठीक है। तो वन रॉड, ये तो स्टोरी आपने पढ़े होगा कि वन रॉड कैन बी ब्रोकन इजीली बट नॉट एन एंटायर बंडल, स्ट्रेंथ लाइज इन द यूनिटी। तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा था, स्ट्रेंथ लाइज इन द यूनिटी, ठीक है, एकता में बल जिसको कहा जाता है बेसिकली। फिर थर्ड देख सकते हैं, ये ट्रायंगल, और ट्रायंगल के अंदर आंख, और ये रेडिएटिंग लाइंस, द आई विथ ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट्स, ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज, द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है। तो द रेज ऑफ द सन, जो रेडिएटिंग लाइट्स है, वो क्लाउड ऑफ इग्नोरेंस को दूर कर देंगे, ठीक है। एंड द ऑल सीइंग आई स्टैंड फॉर नॉलेज, और आंख जो है वो नॉलेज को सिग्निफाई करता था, ठीक है। फिर तीसरा जो है वो है, चौथा जो है हमारा वो है स्पेक्टर, सिंबल ऑफ रॉयल पावर,
ठीक है, जिसको इंडिया में भी, जो इंडिया का नया पार्लियामेंट बना है उसमें भी रखा गया है स्पेक्टर। तो एक तरह से देख सकते, जिस तरह से अगर आपने हैरी पॉटर देखा होगा तो, या फिर कोई भी राजा वजा का देखते होंगे, तो एक इम्पॉर्टेंट सा एक इंस्ट्रूमेंट रहता है बेसिकली, ठीक है। तो वो पावर को सिग्निफाई करता है बेसिकली, रॉयली रॉयलिटी को सिग्निफाई करता है। तो जैसे कभी कोई शादी होती है तो देखेंगे वो लोग एक तलवार लेके रखते हैं, है ना। बेसिकली वही चीज़ है, रॉयलिटी को शो करने के लिए होता है बेसिकली। तो जो इंडियन इंडियन पार्लियामेंट में रखा गया उसको सेनगोल कहा जाता है, ठीक है। इसके ऊपर में भी मेरा वीडियो बना हुआ है, करंट अफेयर्स में मैं इस पर भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर आपको जानना है और भी सेनेगल के बारे में तो उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका जो लिंक हुआ आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रॉयल्टी को शो करता है। फिर पांचवा जो है हमारा, वह देख सकते हैं, स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म ए रिंग। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, द सिंबल ऑफ इटर्निटी, ठीक है, कि कभी खत्म नहीं होगा। अ रिंग दैट हैज नीदर बिगिनिंग एंड नॉर एंड, ठीक है, इटर्निटी, ठीक है। फिर छठा है हमारा, द रेड फाइग्रियन कैप, द कैप वोर्न बाई स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री। तो वैसे स्लेव जब फ्री हो जाते थे वो ये कैप पहनते थे। अब पढ़ेंगे जैकोबिन्स के बारे में, ठीक है, सैन क्लोटोस के बारे में, नीक विदाउट नीक ब्रिचेस के बारे में, ये नेक्स्ट पार्ट में आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है। फिर सेवेंथ देख लेते हैं हमारा, द ब्लू व्हाइट रेड, ठीक है। ब्लू व्हाइट रेड क्या है, ये जो फ्रांस का जो नेशनल फ्लैग है वो वही कलर है, ब्लू व्हाइट रेड, द नेशनल कलर ऑफ फ्रांस बेसिकली। जिस तरह से इंडिया का तिरंगा है उसी तरह से ब्लू व्हाइट रेड वहां पर भी एक तरह से तिरंगा ही है, ठीक है। फिर ये देख सकते हैं, द विंग्ड वोमेन, ये क्या सिग्निफाई करते हैं, पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ, ठीक है, कि लॉ के सामने सब कोई इक्वल है। फिर लास्ट जो है हमारा, द लॉ टैबलेट, द लॉ इज सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल लॉ। तो ये भी वही शो कर रहा है लगभग, द लॉ टैबलेट एंड द विंग्ड वेमेन, पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ यही शो करता है। ये आपको बहुत सारे कोर्ट के बाहर में, जुडिशियरी के बाहर में, इस तरह से कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे इमेजेस काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बन सकते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरह से एंड करेंगे, और जो स्लेवरी वाला पार्ट है, वुमेन का रोल है, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक बन चुका था फ्रांस, फिर फ्रांस का जो सिग्निफिकेंस क्या था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, नेपोलियन बोनापार्टी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, वो सब हम लोग सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके अगर कोई डाउट सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। अगर अभी तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। टाइमली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।